दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोज के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने पलटकर एक तरह से वार किया था, पूरी तरह गिरफ्त थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था, उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बाज ऐसे हैं कि आप बड़े बड़े क्रिकेटर शामिल, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जयसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के, 59 की एवरेज उस बंदे की भी है, तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल, वैसे छुपने वाला नाम नहीं है, शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं, बल्कि मैंने बॉर्डर क्रॉस के सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूं, शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब देखिए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 200 हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 100 हैं, और अब यहां पर भी आखिर उन्हें अच्छी बारी लगाई, अच्छे 100 पूरा नहीं कर पाए, मगर अच्छी फॉर्म के अंदर वो नजर आ रहे हैं। एक दो बार शायद टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वो हुई थी, बट जहां पे उनके ऊपर बात होती है वहीं पे आके वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो टीम इंडिया ने 263 रन बनाए और अब कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है, जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कुछ बहुत ज्यादा रजिस्ट करते हैं। आई डोंट नो, अब एक विकेट रहेगी, वो भी बॉलर्स खड़े हैं, अब इंडियन टीम कितने में उनको चुकता देती है, मगर अभी तक जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में ग्रिफ जो है वो इंडिया की बनी हुई है। अगेन 9 विकेट ले चुके हैं रविंद्र जडेजा, 4 अब ली हैं और 5 पहले थी, और कुल मिला के आज 15 विकेट गिरी हैं। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है, और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको ऐसा महसूस हो के भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को, और अभी एक विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है, और एक विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया, एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों ने, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स, और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान, जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई, समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहाँ पे पड़ी है, ठप्पा कहाँ पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई, वो तो बस समझ उसको बाकी नहीं आई। और 50 बड़े अच्छे किए यंग ने, वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला, उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया, 2 बड़ी विकेटें। तो स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल, ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स, हाँ ठीक है इतना छुपा छुपू के क्या रखना है फिर अश्विन साहब, फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना, जरा थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल टू फिलिप्स, क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई, और फिलिप्स को बल्ब फ्यूज हो गया, फिलिप्स वहां पे उसने दवे, ही वाज प्लेइंग T20 के अंदाज से छक्के मार रहा था, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन, शाबाश, जॉब वेल डन, नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। क्रिकेट भी क्या चीज है, 86 पे 4 आउट थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो लंच वाला सेशन है इसमें पता चलेगा कि क्या से कहां मैच चला जाएगा, और वो आपने देख लिया। क्रेडिट गोज टू जी चैपमैन और हेनरी, जो उन्होंने डॉली कैच छोड़े दोनों के, ऋषभ पंत के भी और गिल के भी। गिल मेरे ख्याल 44 या 45 पे था, ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फ़ायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहाँ पे, गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गया। गौतम ने क्या चीज़ करी, वही लेफ्ट राइट कम्बिनेशन जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था, और वहाँ पे मैंने कहा था कि जडेजा अच्छे रन कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए, और आज उसने जडेजा को भेजा है। ये असल इंडियन टीम, आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है
तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। और यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर ने बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की गई है, जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेट किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका, आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन यार, जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने दिया। जो डेविन कॉन पे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया, जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो, बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हिरानपुर करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं, कल बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए, क्या पता बहुत भी खेल लिया। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स ने और की और एजाज पटेल ने बहुत अच्छा खेल लिया, कल आके 180 कर जाएंगे, 185 कर जाएंगे, मतलब कि भारत को 160 से ज्यादा चेज नहीं करना होगा, 160 चेज करना होगा। मैंने पहले ही बोला था पिछले लाइफ के अंदर जब इंडिया की टीम ऑल आउट हुई थी, मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा था कि इस पिच के ऊपर इन कंडीशन के ऊपर अगर इंडिया को 200 का टारगेट मिलता है तो सही है, अबव 200 मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए इस कंडीशन के अंदर। यहां पे इजी नहीं है खेलना, मुश्किल होनी है भारत को भी, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपको इतने ही रन करने हैं, आपको इतने ही रन करने हैं, आपको तरीके से खेलना है, प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर। मतलब 9 इनकी गिरी हैं, 6 इंडिया की गिरी थी, तो स्पिन ट्रैक है उसके ऊपर स्पिनर्स ऑफ कोर्स उनकी अजारादारी चल रही है। और वो टेस्ट जो हम बनाए फिरते हैं ना कि 5 दिन का टेस्ट मैच, बहुत कम ऐसे हो रहा है कि 5 दिन तक जाए, यहाँ कहीं पे बारिश हो जाए, कुछ ऐसा मसला हो जाए। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पहले टेस्ट मैचेस होते वो 5 दिन चले जाते थे क्योंकि पाटा विकेट बनाते हैं हम लोग, खैर अब हमने भी 5 दिन तक नहीं जाने दिए स्पिन ट्रैक बने, या कहीं पे भी फास्ट ट्रैक हो स्पिन ट्रैक हो, जब ऐसा ट्रैक बनेगा तो मैच रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और 2-3 दिन के अंदर ही साफ हो जाएगा। इसलिए कि अब T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट इतनी लीग्स क्रिकेट इतनी हो गई है कि बल्लेबाजों का वो टेम्परामेंट ही नहीं रहा है, वो टेस्ट वाला चक्कर है नहीं, कहीं पर भी खेली जाती है इसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है। न्यूजीलैंड में भी ऐसे खेल रहे हैं, जैसे उनकी स्ट्राइक रेट काफी इस बार कम देख रहा हूं, मैक्सिमम आप देख लीजिए कि जो इनिंग खेली विल जोंग ने 51 की, वो 51 की ही स्ट्राइक रेट के साथ खेली है, अदरवाइज किसी और का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है नहीं है। और मिचल भी लंबी बारी नहीं खेल पाए थे, उनका लग रहा था। डेविड कॉनवॉय मुझे लगता है कि ये वो वाहिद न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जो इंडियन बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, खासकर बुमराह को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल में बहुत लंबा चौड़ा वो खेलते हैं, मगर इस बार वो भी बड़ी बारी नहीं ले पाए हैं। और रविंद्र जडेजा की अच्छी बॉलिंग हुई है, 9 विकेट्स लिए हैं, अगेन अश्विन ने भी 3 विकेट्स लिए हैं, एक आकाशदीप ने भी लिए, सुंदर ने भी इसमें एक विकेट लिए। सुंदर की बैटिंग काफी खास थी क्योंकि उनके जो रन है ना वो बड़े काउंट किए हैं, 38 जो रन खेले वो काउंट किए हैं, बाकी पंत ने 60 किए हैं, 90 किए हैं शुभमन गिल ने एक्जैक्टली मैं नाम थोड़ा सा वो कर रहा था। तो दोस्तों ये है, अब ये जीत इंडिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत जरूरी भी थी, वो इसलिए कि आप क्लीन स्वीप नहीं हार सकते हैं अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों या किसी भी टीम के हाथों, खासकर वो टीम जो इतनी लेगेसी कैरी कर रही है कि 18 सीरीज लगातार जीत के आ रही है, वो टीम जो 12 बरस से अपने घर में सीरीज नहीं हारी थी, वो सीरीज तो खैर हार गई, बट पॉइंट इज कि आप वाइट वॉश होंगे, वो एक बहुत बड़ा एक जिसे बोलते हैं ना कि एक वो प्रेशर होता है या बोझ रहता टीम इंडिया के ऊपर, खासकर कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के ऊपर, कि आप अपने घर के अंदर 3-0 हार के जा रहे हैं, तो उसके बाद आप बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने जा रहे हैं, वो टफेस्ट सीरीज है टीम इंडिया के लिए इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत उनके लिए जरूरी था, मोरल बूस्टिंग के लिए भी, थोड़ा सा सीरीज को इंटरेस्ट बनाने के लिए भी, क्योंकि देखिए ये क्रिकेट फैन है ना, खासकर जो एशिया के फैन होते हैं, इनका एक अलग टेम्परामेंट है। अब देख लीजिए, मतलब मैं जाता हूं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे, खासकर न्यूजीलैंड में, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता उनकी टीम जीत रही है हारी है। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।